पास शौचालय तो उपलब्ध नहीं है। वैसे लाभ अपने अपने वार्ड के वार्ड पार्षदों के माध्यम से शौचालय के लिए आवेदन नगर पंचायत नगर के कार्यालय में सर ये किस तरह की रैली है सर? ताकि सर के लोग पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर हम लोग एकता दिवस के रूप में ये रैली को निकाले हैं। साथ साथ नगर पंचायत को ODF करने के लिए सभी लाभुकों से अनुरोध भी कर रहे हैं। कौन कौन लोग इसमें भाग ले रहे हैं सर? इसमें भी मेरा वार्ड पार्षद है वार्ड अध्यक्ष महोदय और शहर के सभी गणमान्य व्यक्ति। इसकी कहीं सभा होगी? रैली की कहीं सभा होगी? ये बस नगर पंचायत में जाके इसको सवाल है, वहीं पर हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी अगला प्रोग्राम है वो सब करेंगे। किस जगह सर? नगर पंचायत में ही परिसर में। हाँ सर, आप कुछ बोलेंगे? आज जो है हम लोग का सरकार का जो दिशा निर्देश है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर एकता दिवस, और शहरवासियों को यही संदेश देना है कि शहर को सुंदर रखे, साफ रखे, और शहर को हम लोग को शौचालय मुक्त करना है, यही संदेश देने के लिए आज पूरे कर्मचारी और शहर के नागरिक के साथ हम प्रभात फेरी कर रहे हैं। अपने वार्ड के वार्ड पार्षदों के माध्यम से शौचालय के लिए आवेदन नगर पंचायत जयनगर कार्यालय में दिनांक 31 सर अभी रैली देखे थे आप लोगों की, किस तरह की रैली थी सर? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर हम लोग सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में आज एकता दिवस मनाना था, सर्वधर्म समन्वय और सभी वर्ग के लोगों का एकजुट होकर आज हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस मनाए, जिसमें नगर पंचायत के अध्यक्ष महोदय, अन्य सभी कर्मी और सभी वार्ड के वार्ड आयुक्त महोदय सम्मिलित थे, और हम लोग पूरे शहरवासियों को यही संदेश देना चाहें जो सभी वर्ग के लोग भेदभाव से ऊपर उठ के एकजुट रहे और हमारे लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई के जन्म को साकार करें, उनको आदर्श माने और हमारे नगर को स्वच्छ सुंदर बनावे और शहर को ODF में सहयोग करें। आपकी तरफ से क्या मुख्य फोकस था सर आज के कार्यक्रम के लिए? देखिए, हमारे तरफ से मेन यही उद्देश्य था कि सरकार का जो दिशा निर्देश था कि आज के दिन में सुबह में प्रभात फेरी करना है और शहरवासियों को एक एक मैसेज देना है एकता दिवस के रूप में, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है, और हमने हमारे कार्यपालक पदाधिकारी, हमारे साथ वार्ड आयुक्तों और कर्मचारी और शहर के कुछ गणमान्य व्यक्ति के द्वारा हमने शहर के विभिन्न चौक चौराहा पर घूम घूम कर यही संदेश दिए हैं कि आप शहर को साफ रखें, सुंदर रखें और एकताबद्ध रूप से शहर को सफाई में सहयोग करें हमें, और जयनगर शहर को शौचालय मुक्त करने का एक आह्वान हम शहरवासियों से किए। मुख्य फोकस सफाई पर था? मैं मुख्य फोकस सफाई पर था। आपका शुभ नाम सर? अमर ठाकुर। आप क्या है सर नगर पंचायत में? वाइस चेयरमैन का पति हूँ। आपका कौन सा वार्ड है सर? 10 नंबर। 10 नंबर वार्ड है। आपके वार्ड में सफाई की क्या व्यवस्था है सर, किस तरह से है अभी? ठीक ठाक चल रहा है। अच्छा है, संतुष्ट है आपके मोहल्ले के लोग? सर आपका पर्चे? सर आपका पर्चे? मेरा नाम बबलू रावत है। जी आप भी नगर पंचायत में हैं सर? जी नहीं। आप यहाँ के नागरिक हैं सर? जी। तो नगर पंचायत की सफाई सुथरा व्यवस्था से आप कितने संतुष्ट हैं सर? पूरा संतुष्ट है। संतुष्ट है सर। आपका पर्चे सर? गोविंद कुमार मंडल। आप भी नगर पंचायत में हैं सर? वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 7। वार्ड नंबर 7 के वार्ड पार्षद है। तो आपके वार्ड में सफाई की किस तरह की व्यवस्था है सर? बहुत अच्छा व्यवस्था है। अच्छा बहुत, है बहुत साफ। आपके जो जनता है वो संतुष्ट है? संतुष्ट है। आपका परिचय सर? जोगिंदर प्रसाद गुप्ता। आप भी नगर पंचायत में हैं सर? हमारा पत्नी है नगर पंचायत। आपकी पत्नी किस वार्ड में है सर? वार्ड नंबर 9। 9 में। आपके पंचायत में सफाई की किस तरह से व्यवस्था है? बहुत बढ़िया। संतुष्ट है वहाँ के? बहुत बढ़िया संतुष्ट है जनता यहाँ का। सर आप अपना परिचय देंगे? मेरा नाम दिनेश पूर्वे है, मेरी पत्नी वार्ड पार्षद है। किस वार्ड में है सर? वार्ड नंबर 2। वार्ड नंबर 2 में। तो आपके वार्ड में सफाई की किस तरह की व्यवस्था? बहुत अच्छी व्यवस्था है। अच्छी व्यवस्था। आपके वार्ड के लोग संतुष्ट है? आपकी बहुत अच्छे संतुष्ट है।
सर आप अपना परिचय देंगे सर। भूषण सिंह जयनगर। आप भी नगर पंचायत में है सर? नहीं सर, हम तो ग्राम पंचायत। आप यहाँ के नागरिक है सर? जी। आप सफाई सुथरा की व्यवस्था जो नगर पंचायत की ओर से है इसको आप देख रहे हैं? जी देख रहे हैं। किस तरह से लग रहा है आपको? ठीक है संतुष्ट। ठीक है सर, आप अपना परिचय देंगे सर। अभिषेक कुमार। आप भी नगर पंचायत में है सर? नहीं, वर्तमान पार्षद है, पूर्व पार्षद। पूर्व पार्षद है सर। आपके नजर में कैसा है वर्तमान व्यवस्था सफाई सुथरा की सर? औसत है। औसत है। Thank you.